नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कितनी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन चल रही है, कौन सी योजना है जिसके माध्यम से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन पेंशन प्राप्त कर सकता है, उसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उस योजना के माध्यम से आप किस तरीके की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और जो हर महीने पेंशन मिलती है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पेंशन कौन कौन ले सकता है और आपको यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको फॉर्म यहाँ पे ही मिल जाएगा, डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं, कोई सा भी फॉर्म आप यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है कि आप किस प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए अपडेट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में और इस पोर्टल के माध्यम से आप बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, इस पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर हर प्रकार के फॉर्म आपको दिए जा रहे हैं, वो फॉर्म भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बताते हैं आपको पूरी प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पर आगे बता दूंगा कि इस पोर्टल पर आपको कैसे आना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे काम करना है, ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर कि ये पेंशन किस किस को मिलती है और यहाँ पर कौन कौन पेंशन है जो प्राप्त कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी। देखिए यहाँ पर परिचय सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर निराश्रित वृद्ध कल्याणी परित्यक्ता दिव्यांग एवं गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृति की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिला, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य भी यहाँ पर दिया गया है, उद्देश्य में भी यही है। उसके बाद देखिए पात्रता, इसमें यहाँ पर पात्रता क्या क्या रखी है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो, मतलब यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन है वो यहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर के होंगे उनको यहाँ पर वृद्धा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पेंशन है, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिला, कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी अधिकारी न हो, शासकीय कर्मचारी अधिकारी के अभिप्राय राज्य एवं केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम उपक्रम संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी या अधिकारियों से हैं, कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर सक रही हो। देखिए यहाँ पर जो मतलब कल्याणी महिला होती है, मतलब जो विधवा महिला होती है उनको यहाँ पर विधवा पेंशन जो मिलती है वो 18 वर्ष से अधिक की अगर आयु की कल्याणी महिला है, मतलब विधवा महिला है, तो वो यहाँ पर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन वो किसी सरकारी कर्मचारी या विभाग में काम ना करती हो, अधिकारी ना हो, तो उनको ये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और क्या है यहाँ पर, 18 से अधिक किंतु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीब परिवार गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। देखिए यहाँ पर ये पेंशन भी सभी को मिलना स्टार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर 18 से अधिक किंतु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, लेकिन वो सरपंच, सहायक सचिव, निरीक्षण प्रभारी, प्रमाण पत्र या न्यायालय आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे आपकी ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में सचिव या सरपंच के माध्यम से, या फिर पार्षद, नगर परिषद है तो पार्षद के माध्यम से वहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र संयुक्त किया जाएगा। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर आदेश कर सकते हैं न्यायालय में और यहाँ पर आपको इस योजना का पैसा मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक और है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो वो दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि भी यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, देखिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर दे
पेंशन प्राप्त कर सकता है, जो दिव्यांग व्यक्ति होता है, विकलांग पेंशन, वो यहाँ पर ये पेंशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वृद्धा पेंशन में आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे ये तो पहले से मैंने बता दिया आपको, वृद्धाश्रम में निवासत 60 वर्ष से अधिक आयु की, यहाँ पर मतलब जो आप देख पता चल गया होगा कौन सी पेंशन यहाँ पर सभी को मिलती हैं, इस तरीके की मतलब जो वृद्धा पेंशन है वो मिलती है, और यहाँ पर जो विधवा पेंशन है वो मिलती है, कल्याणी पेंशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता पेंशन, विकलांग पेंशन जो है वो मिलती है, इस तरह की यहाँ पर अनेक प्रकार की जो पेंशन है मिलती है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रक्रिया क्या रखी गई है, इसमें प्रक्रिया देखिए यहाँ पर निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, दफ्तर पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका कार्यालय अभिलेख के सामने आवेदन करें, मतलब यहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी, स्वयं की 2 फोटो, बीपीएल कार्ड अथवा निराश्रित निर्धन का प्रमाण पत्र, उसके बाद यहाँ पर आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, निःशक्त का प्रमाण पत्र, कल्याणी परियोक्ता का प्रमाण पत्र, यहाँ पर मतलब जिस प्रकार की आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिंक दी गई है, इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली अभी यहाँ पर ये लिंक काम नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पर अभी प्रॉपर यहाँ पर ये लिंक को अपडेट किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो मैं इसके लिए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके आप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता रखी है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से ही घर बैठे आपको पेंशन का आवेदन कैसे करना है, और उसकी प्रिंट निकाल के आपको अपनी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद में आप उसको जमा कर सकते हैं, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप वहाँ पर जमा कर दीजिए, ताकि आपकी पेंशन जो है स्वीकृति हो जाए और आपको हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको किस प्रकार की आप पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सभी फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करने के संबंध में, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन न्याय विभाग इस तरीके का यहाँ पर समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृति पत्र प्रदाय करने के लिए यहाँ पर ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हर प्रकार के अलग अलग पेंशन पेंशन के फॉर्म दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर सभी पेंशन के लिए अलग अलग यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर यह फॉर्म आप ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया, इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर और यहाँ पर ये फॉर्म आपको अपलोड करना जरूरी है, दोनों यहाँ पर आपको जरूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लगेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और मैंने अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, तो आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी आपको बता रखी है कि आपको यहाँ पर पेंशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी, तो कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे नए नए अपडेट भी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।